हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गार्डनिंग का शौक पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस हो या बहुत बड़ा बजट हो। आप अपने छोटे से बजट में, छोटे से स्पेस में भी इस शौक को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने अपने गार्डन को बनाया है अपनी मेहनत से और मिनिमम बजट में। तो ये फिनाइल की जो खाली पीपी थी उसके मैंने दो प्लांटर तैयार किए। एक पीपी से हमारे दो प्लांटर यहाँ बनकर तैयार हो गए हैं और किस तरह से बनाया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ जो इसके ऊपर जो कलर दिख रहा है वो मैंने कलर नहीं किया है, जो सोपिंग बैग होता है उसको काट कर और सेलो टेप से इस पर चिपका दिया है चारों तरफ से, और काफ़ी अच्छा ये लग रहा है। और देखिए, कटिंग्स वाले प्लांट मैंने लगाए हैं, बहुत ही सुंदर ये लग रहे हैं। तो फ्री का प्लांटर हमारा बनकर यहाँ तैयार हो गया है और जो प्लांट है वो भी कटिंग्स वाले इसमें मैंने लगाए हैं। और ये ऑयल केन के मैंने प्लांटर बनाए, एकदम छोटी सी फैमिली मैंने बना के यहाँ रखी हुई है अपने गार्डन में, तो बहुत ही अच्छी ये लगती है। तो पुरानी जो ऑयल केन होती है उनका आप रीयूज कर सकते हो और उनमें प्लांट्स लगा सकते हो। और प्लांट आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से इनमें चल रहे हैं। इन सब में मैंने नीचे होल बना रखा है और किस तरह से मैंने इनको बनाया उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है। ये देखिए, आप ऑयल केन में भी प्लांट लगा सकते हैं। ये भी मैंने फ्लाइल की जो बोतल होती है उससे छोटा सा डोगी बनाया है और देखिए प्लांट इसमें भी कितने अच्छे से चल रहे हैं। तो प्लांटर तो सारे ही फ्री के हैं और प्लांट्स भी अधिकतर कटिंग्स वाले मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो हो रही है ना जीरो बजट में गार्डनिंग, तो इस तरह से आप प्लांट्स लगा सकते हैं। और ये प्लांटर भी बहुत सुंदर लगते हैं, घर में हम तैयार कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी हमारा नहीं आता और मिनिमम बजट में हमारे प्लांटर बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, पुराने जो प्लास्टिक के जो मग थे वो मेरे टूट गए थे और उनके अंदर मैंने वैसे ही प्लांट लगा दिए हैं। और इसमें देखिए हैंडल भी है एक में, तो उठाने में भी बहुत आसानी रहती है। तो इस तरह के प्लांटर आप घर में बना सकते हैं। आप घर में जो भी वेस्ट सामान निकले आप उसका रीयूज करके में प्लांटर तैयार करें और उन्हें प्लांट्स लगाएं। प्लांट तो बहुत सारे कटिंग्स से भी आप तैयार कर सकते हो, वो भी आपको नहीं लाने। ये देखिए सीमेंट के पोट, ये भी मैंने घर में तैयार किए हैं। इसमें मैंने जेड प्लांट लगा दिया है और दूसरे वाले में मैंने ऑफिस टाइम प्लांट और पर्पल हार्ट की कटिंग लगा दी है और ये काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो प्लांटर तो बहुत ही सस्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। तो घर में इस तरह के आप सीमेंट के पोट भी तैयार कर सकते हो, काफ़ी मजबूत भी ये होते हैं, आप सीमेंट के पोट बना सकते हो। इसके अलावा ये देखिए, तेल के पीपी को मैंने काट कर किस तरह से काटा उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है। और इसमें भी काफ़ी सारे मिक्स प्लांट मैंने इसमें लगा दिए। देखिए सदाबहार में फूल खिले हुए कितने अच्छे से लगे हुए हैं। इसमें मिर्ची का पौधा भी मैंने इसमें लगा दिया है और ये अपराजिता की बेल मेरी इसमें लगी हुई। तो एक प्लांटर के अंदर हम मिक्स करके प्लांट भी लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरे भी मैंने काफ़ी सारे प्लांट मिक्स करके लगाए हुए हैं। और इसमें भी हमारा कलर पेंट का खर्चा बिल्कुल नहीं हुआ है, सोपिंग बैग से ही मैंने इसको कवर कर दिया है और सेलो टेप से अच्छे से चिपका दिया है और बहुत ही अच्छे से ये प्लांटर मेरा चल रहा है। तो इस तरह के प्लांटर हम घर में एकदम फ्री में काफ़ी सारे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ये चलते हैं। ये देखिए, इसको मैंने बिल्कुल चिपका दिया था अच्छे से और ये चिपक गया है इसमें। और काफ़ी लंबे समय से मैं प्लांट लगा रही हूँ, मेरे प्लांट काफ़ी अच्छे इनमें चल रहे हैं। तो प्लांटर चाहे कैसा भी हो पर आपका प्लांट बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए कितने अच्छे फूल इसमें खिले हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर ये लग रहा है एकदम भरा भरा। इस तरह के फ्री के प्लांटर हम बना सकते हैं। इसके अलावा जो पूजा का जो कलश होता है उसको काट कर और उसका भी मैंने प्लांटर बनाया है। इस तरह के जो प्लांटर तैयार करते हो इसमें आप मनी प्लांट लगा सकते हो, जेड प्लांट लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे ये लगते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारा प्लांटर एकदम बनकर तैयार हो गया है। और ये इजी की जो बोतल होती है उसको मैंने काट लिया था और काटने के बाद में इसमें भी पर्पल हार्ट प्लांट की कटिंग मैंने इसमें लगा दी है, बहुत ही अच्छी ये लग रही है। और इसमें तो पीछे हैंडल भी है तो आप इसको टांग भी सकते हो। तो जो हैंडल होते हैं उसको आप इसमें से बिल्कुल ना हटाएं। और ये देखिए, पुराने जो मटके पूजा के जो कलश है उन सब में वैसे ही मैंने नीचे होल बना दिया था और उसके बाद मिट्टी भर के प्लांट मैंने लगा दिए हैं। ये एलोकेसिया का प्लांट है, काफ़ी अच्छा इसमें चल रहा था। इस तरह सारे प्लांट मैंने इनमें लगा दिए कलश के अंदर भी और बहुत ही अच्छे चल रही है। पत्थर चट्टा मैंने इसमें लगा दिया है। तो ये प्लांट तो कटिंग से भी आप लगा सकते हो और बहुत ही अच्छे ये लगते हैं। इसके अलावा देखिए, बड़ा जो मटका मेरे पास था उसको मैंने ऊपर से काट के उसमें मनी प्लांट और रेड लिली को मिला के लगाया हुआ है। और बारिश के मौसम में ये प्लांट इतना सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए अभी कितना अच्छा एकदम हरा भरा है। तो एकदम हरियाली में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और प्लांटर भी ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगर आप मार्केट से ला के पेड़ लगाते हो उनसे भी अच्छे ये हमारे प्लांटर घर में ही तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से इसमें मनी प्लांट भी चल रही है और इसके अलावा रेन लिली को भी मैंने इसमें लगा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा और सुंदर प्लांटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये एकदम पुरानी बकेट मेरे पास पड़ी थी और ये टूटी हुई बकेट के अंदर ही स्नेक प्लांट और एलोकेसिया का जो प्लांट है मिक्स करके इसमें लगा रखे हैं। और देखिए कितने अच्छे से चल रहे हैं और नए नए प्लांट इसमें से ग्रो हो रहे हैं। तो प्लांटर तो आपका कैसा भी हो, प्लांट हमारे हर प्रकार के प्लांटर में चल जाते हैं, बस आप नीचे इसमें होल बना लें
तो यहाँ एकदम फ्री की हरियाली हमें मिल रही है, साथ ही हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट क्लीन। तो इस तरह के प्लांटर आप घर में तैयार करें, उनमें प्लांट्स लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।